किसान मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि आप की समस्या काफ़ी ज़मीन में बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि भाई सफेदगी डार नहीं जा रही खेत में से, सफेदगी डार के लिए दवा दे दो। और कीड़ा भी बहुत अधिक लगता है भाइयों खेत के अंदर। कभी आप लीथल डालते हो, कभी आप रिजेंट डालते हो, कभी आप साइपर डालते हो, लेकिन ज़मीन से कीड़ा नहीं जा पाता आपकी। ये समस्या सभी किसान भाइयों की बनी हुई है, क्योंकि समय के अनुसार ये खेतों में जो रूटर वेटर किसान भाई सब चलवाते हैं आजकल, तो उससे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि वो गहरी जुताई नहीं कर पाता रूटर वेटर, और वो हल्की जुताई लेता है। जैसे जैसे कितनी जुताई वो आपके खेत में कर पाएगा, जिसके कारण ज़मीन का कीड़ा नीचे ही रह जाता है और वो मर नहीं पाता और आपकी धरती को पलट भी नहीं आ पाती। इसलिए मेरे किसान भाइयों मित्रों, आप खेत जोतने के लिए मुद्दा कटने के बाद या कोई भी फसल कटने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि गन्ना ही काटने के बाद आप फेरो, आप गेहूं काटने के बाद भी फेर सकते हो, मुंजी काटने के बाद भी फेर सकते हो, और गन्ना कटने के बाद भी आप किसान मित्रों फेर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रूटर वेटर यदि आप मुड्ढे में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसको एक फेरी इस्तेमाल करो झुंडी काटने के लिए, यदि आपके पास रूटर वेटर है। अन्यथा आप किसान मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हैरो से जुताई करनी है। हैरो से क्या होता है कि आपकी धरती की पलट हो जाती है, और जब आपकी धरती की पलट हो जाएगी जो नीचे कीड़ा है गहराई में वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के कारण उस कीड़े को पक्षी चुग लेते हैं। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कैसे बुगले हैरो के भान में कैसे आ जाते हैं, जबकि रूटर वेटर के पीछे कोई भी पक्षी आपको नहीं नजर आएगा। आप देख सकते हैं खेत की तैयारी हो रही है, ये देखो मित्रों, आप देख सकते हैं खेत में कितने बुगले आपको नजर आ रहे हैं, जो कि आप खेत में हैरो के पीछे धरती जैसे पलट रही है वैसे तुरंत कीड़ा ये बुगले एक एक करके सभी कीड़ों को आपके खेत से चुग रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके जो खेत के अंदर कीड़े लगा हुआ है, जमीन के अंदर जो कीड़ा है वो 70% ये पक्षी उसको खा जाएंगे, जिससे आपके खेत में कीड़े कम हो। और आपको मैं मित्रों दिखा देना चाहता हूँ, देखिए आप हैरो के पीछे कितने बुगले हैं, ये देखिए कैसे चुग रहे हैं। और आओ किसान भाइयों, मैं आपको हैरो की जुताई भी दिखा देता हूँ, कितनी ज़बरदस्त हैरो की जुताई होती है, धरती को पलट भी देती है और कितनी अच्छी तरीके से होती है, ये आप देख सकते हो किसान भाइयों। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी तरीके से खेत की जुताई आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाना देना चाहता हूँ, ये देखिए किसान भाइयों कितनी अच्छी जुताई हैरो से खेत की होती है। आप देख सकते हो कितनी गहराई है, ये आप अनुमान लगा सकते हो, पेड़ी नज़र आ रही है मित्रों। ये देखिए एक बिलांद, आप देख सकते हैं एक बिलांद यानी 11 इंच के करीब आपके खेत की जुताई हो रही है मित्रों। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सभी किसान भाई अपने खेत में हैरो का इस्तेमाल करें, जिससे अच्छी जुताई होगी और नीचे के कीड़े ऊपर आ जाएंगे, जिसे पक्षी चुग कर खा जाएंगे, इससे आपके खेत में रोग बहुत कम आएगा। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार।